गाइस, जय कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे सुबह के 11:30 बज चुके हैं। सुबह तो मैं जल्दी उठ चुकी थी क्योंकि लाइट फिर से चली गई थी, तो इसीलिए फ्रेश भी हो चुकी हूँ। अभी बस मैं जा रही हूँ कपड़े वॉश करने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। कल गुजरी में से भी लेकर आए ना, वो भी कपड़े हैं तो वो सारे वॉश करने हैं, तो पहले वो वॉश कर लेते हैं। धीरे बोल रही हूँ क्योंकि राहुल अंदर सो रहे हैं, और क्या बताओ कल रात को 1:30 बजे से लाइट चली गई थी। वो लाइट आई कम से कम 4:30 बजे तक लाइट आई। आधी रात को हम लोग घर के बाहर बैठे थे, लेकिन तब कुछ सूट नहीं किया क्योंकि फुल अंधेरा था, गली में भी लाइट नहीं थी, पूरी स्ट्रीट में लाइट चली गई थी। तो इसीलिए फिर लाइट आए और उसके बाद सोए, और फिर सुबह लेट ही उठना था, लेकिन सुबह सुबह फिर से लाइट चली गई, इसलिए फिर मैं तो उठ गई थी। फिर नहाने चली गई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि क्या कहें। और फिर नहा कर आए, तब तक लाइट आ चुकी थी, तो फिर हम लोग का कुछ काम था तो मैंने वो फिनिश किया, और अभी जा रही हूँ कपड़े वॉश करने। तो चलिए जाते हैं कपड़े वॉश करते हैं और फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज है भीम एकादशी, तो मैं व्रत रख रही हूँ क्योंकि भीम एकादशी है। ये क्या कहते हैं, बहुत बड़ी एकादशी होती है, साल में एक बार आती है। तो चलिए हम आज व्रत करेंगे। राहुल का मुझे पता नहीं है, अभी तक तो 11:30 हो चुके हैं, तो व्रत कर लेंगे तो वो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी। मैं करने वाली हूँ, तो आज घर पर बनेगा फलाहार, तो साथ साथ वो भी आपको दिखाना चाहूँगी। अभी पहले चलते हैं कपड़े वॉश करने। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े अभी हैं, मैं फटाफट वॉश कर लेती हूँ और सुखा लेती हूँ, वरना धूप भी चली जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, कपड़े धो चुके हैं, सुखा भी दिए, छत पर सुखाया है, तो चलिए अभी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो दिखाती हूँ कि क्या क्या आज बनेगा। और अभी तो मैं सिर्फ फ्राई कर रही हूँ, बाकी आलू की सब्ज़ी और समा के चावल की खिचड़ी वो भी बाद में बनाऊँगी, अभी मैं वेफर्स वगैरह फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पीनट्स फ्राई कर लिए हैं, अभी वेफर्स और चिवड़ा फ्राई कर रही हूँ। तेल भी हो चुका है फुल गर्म, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। सारा खाना अभी बन चुका है, अभी मैं जा रही हूँ रूम में, किचन में गर्मी गर्मी हो चुकी हूँ मैं, पसीना पसीना, तो चलिए रूम में चलते हैं। और अभी बच्चे हैं 1:45 बज चुके हैं, तो अभी तो खाना नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, तो चलिए अभी फिलहाल पंखे के नीचे देखते हैं। तो अभी बज चुके हैं 2:00 के, ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं, और हम खाना खाने बैठ चुके हैं, तो चलिए दिखाती हूँ कि खाने में आज क्या क्या। तो ये देखिए आज बनी है, आज खाने में बना है समा के चावल, साथ में है या वेफर्स पाचड़ी वगैरह, साथ में है राहुल की फ्रेंड की मम्मी ने दी है मुझे, क्या कहते हैं राहुल, रागी की पूड़ी, और इसमें है आलू की सब्ज़ी, और ये है मुरब्बा, वो भी उन्होंने दिया है, इसमें है पीनट्स, और भीम एकादशी है इसमें स्पेशल आम का रस। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। चलिए तभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ बाजार में, क्योंकि मुझे आलू टमाटर वो सब कुछ लेने हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है इसीलिए। तो चलिए चलते हैं बाजार में, और फिर वहीं से दीदी का भी फोन आया था, तो वो भी बाजार में था, तो पहले मुझे सब कुछ मम्मी के घर रख के जाना होगा, आलू वगैरह सब कुछ लेकर, और फिर से जाना होगा बाजार। चलिए फटाफट से चलते हैं, लाभ लोग भी आ रहे हैं, तो अब से मिलवा लेती हूँ, सुबह से मिलवाया नहीं है क्योंकि वो सो रहे थे, इसीलिए 8 से उनकी नाइट शिफ्ट स्टार्ट है, तो वो जा रहे थे मुझे छोड़कर काम पर। तो चले
कहीं पे आते हैं ना तो मिलवाते हैं। तो ये आ गया है राहुल। हेलो राहुल, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। ओके चलिए, अभी लेट हो चुका है। चलिए तभी मैं आ चुकी हूँ बाजार में और रीति यहाँ पर है, लेडी केयर में। रीति और मम्मी दोनों यहीं पर है। देखो मम्मी, रीति यहाँ नीचे ही है, ले लिए ले लिए। क्यों नहीं पसंद आए? ओहो हो। चलिए तो अभी हम आ चुके हैं बाजार से सीधा मंदिर पर दर्शन करने के लिए, और आप सब भी दर्शन कर लीजिए गणपति बापा के। तो चलिए फाइनली हम घर पर आ चुके हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या शॉपिंग कर आए हैं। तो ये देखिए, ये रिधिन लिया है एक ड्रेस, ये चप्पल, एक ये वाली चप्पल, और ये डोरी कपड़े सुखाने के लिए, और इसमें है तवा, डोरी आ सॉरी रस्सी, और ये देखिए था उन कैसी होती था, कैसी होती था, अच्छी है। आज तो पिए मसी को होगी बगी कुछ नहीं मिली। ओके मैं धोती मस्त लग रही है, मस्त। चलो मुझे सिखा दो, मुझे नहीं आता। तो ये देखे, ये किसु और तीर्था दोनों मुझे ये उनो खेलना सिखा रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और ये रिधि ने एक और चप्पल लिया है, देखिए। और यहाँ पर आ चुके हैं भजिए। चलिए अभी खाना खा, ए सॉरी मैं तो नहीं खा सकती, मेरा तो व्रत है। मम्मी अभी खिला देती तुम मुझे। नहीं है, तुम तो रखती हो तो क्यों नहीं रखा? चलिए चलेगा। चलिए तो अभी हम जा रहे हैं रीति को उसके घर छोड़ने के लिए, क्योंकि स्कूल स्टार्ट चालू हो चुकी है ना, इसीलिए अभी तीर्था को जल्दी जल्दी सुलाना है, इसीलिए वो जल्दी जा रही है। क्यों रीठा, 10 बजे सो जाओगी ना? देखिए 10 बजे सो जाएगी। चलिए अभी चलते हैं और चलिए तो अभी हम आ चुके हैं रीति को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए। बाय बाय तीर्था, जय श्री कृष्णा, बाय बाय रीति, जय श्री कृष्णा, बाय, आओ जो। ये देखिए आज ईद है, इसीलिए छोटा सा मेला भी लगा है, राइट साइड सब आई है, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं रीति को उसके घर ड्रॉप कर, अभी चलिए फटाफट से चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद खाना तो हमें है नहीं, तो बैठेंगे और टीवी देखेंगे, और फिर बस अभी इस व्लॉग को हम यही एंड कर देंगे। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।